हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन. सो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल राजर्षि क्लासेस. सो स्टूडेंट, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न फिफ्थ स्टैंडर्ड ईबीएस चैप्टर नंबर 19, अ सीड टेल्स अ फार्मर स्टोरी. सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेसन. सो स्टूडेंट, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन, देन यू विल गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ अवर वीडियो. और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद. तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट. तो स्टूडेंट, हमने फर्स्ट पार्ट में जो है क्या देखा था कि एक सीड मतलब बीज जो है, हमें उसकी स्टोरी और उसके साथ में जो है एक फार्मर की स्टोरी जो है वो बता रहा था. तो ये सीड जो है शुरुआत में एक बहुत ही ब्यूटीफुल वुडन बॉक्स में रखे जा रहे. जो फार्मर है दामजी भाई, वो जो है अपने फैमिली के साथ में जो है वो रहते हैं. उनके फैमिली में उसके भाई है, कजिन्स है, और बहुत सारे लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं. और इनकी फैमिली जो है वो लार्ज फैमिली है, बड़ी फैमिली है. और उस वक्त में जो है लोग एक मेक को हेल्प करते थे. क्रॉप ग्रो हो जाता था तो जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता था, मतलब कटाई का टाइम आता था, तो सब लोग जो है मिलजुल के जो है वो सेलिब्रेट भी करते थे. देन उस टाइम में जो है विंटर में उंडिया बनाया जाता था गुजरात में, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है डिश है वहाँ का. तो उसको जो है एक क्ले पॉट में उल्टा रखकर पकाया जाता था, इसलिए उसे उंडिया कहा जाता था. ठीक है, उंडिया कहा जाता है. तो ये जो बाजरे की रोटी है उसके साथ में जो है उंडिया खाया जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है. ठीक है, तो ये और उसके साथ साथ में ही फार्मर्स जो है ग्रेन्स और वेजिटेबल और बहुत सारे अलग अलग ग्रेन्स और वेजिटेबल्स भी जो है वो ग्रो करते थे. कुछ फार्मर्स जो है वो कॉटन को भी ग्रो करते थे. तो ये जो है हमने इसके पहले पार्ट में देखा था और अब जो है हम इसका सेकेंड पार्ट देख रहे हैं. तो व्हेन टाइम चेंज, अब जो है ये हमने दामजी भाई का टाइम देखा था, लेकिन अब जो है टाइम चेंज हो चुका है. तो ओवर द ईयर मेनी चेंजेस टू प्लेस इन द विलेज, और जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो बहुत सारे चेंजेस जो है विलेजेस में अब भी आने लगे. सम प्लेसेस कुड गेट वाटर फ्रॉम द कैनल, और कुछ जगहों पर जो है वाटर जो है कहाँ से आता है, अभी कैनाल से आता है. तो ये कैनाल जो है वो कहाँ कैसे बनती है, तो दे सेड द कैनाल ब्रॉट वाटर फ्रॉम फार अवे. तो ये जो कैनाल है वो बहुत दूर से जो है वो आती है, मतलब गांव गांव में जो है वो कैनाल से पानी जाता है. सो वेयर अ डैम हैड बीन बिल्ट ऑन अ बिग रिवर, एक बहुत बड़ा एक जो रिवर है तो उस रिवर में जो है एक डैम बनाया गया था. तो डैम किस तरह से बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, तो डैम जो है एक वॉल होती है, जो रिवर होता है रिवर के बीच में जो है पानी को जो है रोकने के लिए, पानी को जो रिवर का पानी जो जैसे फ्लो हो जाता है ना इधर उधर, तो वो फ्लो ना हो उसे रोक कर रखने के लिए जो है ये दीवार बनाई जाती है बीच में, और इसे जो है हम डैम कहते हैं. और जब हमें ज़रूरत होती है तो उस पानी को जो है वो छोड़ा जाता है. तो इस तरह के जो डैम है, डैम से ही जो है ये कैनाल निकलती है. और ये कैनाल जो है वो कहाँ पर जाती है, दूर दूर तक खेतों में जहाँ पर फार्मर्स को वाटर लगता है, तो वहाँ पर ये कैनाल से पानी जो है वो भेजा जाता है. सो देन इलेक्ट्रिसिटी केम, और ये जो डैम बनाने की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई. तो स्विच ऑन द बटन एंड देयर वॉज लाइट, जैसे कि बटन को स्विच ऑन करो तो लाइट लग जाती है. तो पीपल फाउंड दैट ओनली वन आर टू क्रॉप लाइक वीट एंड कॉटन, तो जैसे ये चेंजेस बहुत सारे हो चुके हैं वैसे ही जो है लोग जो है सिर्फ वन आर टू क्रॉप ही जो है अब ग्रो करने लगे हैं, जैसे कि वीट है या कॉटन है, तो इसको ही ज़्यादातर ग्रो किया जाता है. गॉट बेटर प्राइस इन द मार्केट, क्यों, क्योंकि जो है इसको बहुत ज़्यादा प्राइस मिलता है मार्केट में, तो इसीलिए जो है लोग सिर्फ
एक दो ही क्रॉप जो है वो ग्रो करने लगे हैं। तो सो मोस्ट फार्मर्स बिगेन टू ग्रो ओनली दिस, और ये जो वीट है, कॉटन है, इससे बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है मार्केट में, इसलिए फार्मर्स भी जो है इसी को ग्रो करना उन्होंने शुरू कर दिया है। सुन वी ओल्ड फ्रेंड्स बाजरा एंड जवार एंड आल्सो वेजिटेबल्स वेयर फॉरगॉटन एंड डिसमिस्ड। तो ये सीड जो है हमें बता रहा है कि जैसे कि बाजरा का सीड है, जवार है, वेजिटेबल्स है, इन सबको जो है पहले दामजी भाई के पीरियड में जो है वो लगाया जाता था मिलकर, और ये उनको रखा भी जो है एक बॉक्स में जो है रखा जाता था। तो अब जो है बाजरा कह रहा है कि मैं, मेरा फ्रेंड है जवार है, जैसे वेजिटेबल्स है, तो ये हम सबको जो है अब बिल्कुल भूल चुके हैं लोग, और कहीं कहीं तो ये डिसमिस ही हो गया है, मतलब उसको लगा बिल्कुल देखा ही नहीं जाता, लगाया ही नहीं जाता है। तो इवन फ्रॉम दामजी भाई फील्ड फार्मर्स इवन बिगेन टू बाय सीड्स फ्रॉम द मार्केट। तो वैसे अब जो है लोग फार्मर्स जो है वो नहीं डायरेक्ट मार्केट में जाके जो है खरीद लेते हैं। पीपल सेड दे वेयर न्यू काइंड ऑफ अ सीड, लोग कहते हैं कि ये जो सीड जो मार्केट में अभी रेडीमेड मिल रहा है तो ये न्यू काइंड अलग मतलब नए प्रकार के सीड्स है। सो फार्मर्स डिड नॉट नीड टू स्टोर सीड्स फ्रॉम द ओल्ड क्रॉप। तो फार्मर्स को जो है अब पहले जैसे दामजी भाई जो है सीड्स में से कुछ सीड जो है वो बाहर निकल कर उसको स्टोर करके रखते थे, वैसे जो है अब स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो उसको बहुत प्रोटेक्ट करके भी रखा जाता था, मतलब आपने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि उसको नीम के पत्तों के ऊपर जो है रखा जाता था। तो अब ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, मार्केट में जाओ सीड लो और फिर लगा लो, ठीक है। तो नाउ पीपल इन द विलेज कुक्ड एंड एट टुगेदर ओनली ऑन वेरी स्पेशल डे। आजकल जो है विलेज के पीपल्स क्या करते हैं कि कोई भी मतलब स्पेशल डे है तभी जो है वो मिलजुल कर जो है एक साथ जो है खाते हैं, मतलब कुछ बनाते हैं मिलकर और फिर खाते हैं। एज दे एट दे वुड रिमेंबर हाउ टेस्टी द फूड यूज टू बी इन द पास्ट। और तो जब ये सब लोग मिलके जब खाना खाते हैं तो वो जो है पास्ट टाइम में जो भी वो फूड खाते थे तो उसकी याद करते हैं कि वो कितना टेस्टी होता था, फ्रेश फ्रॉम द फील्ड, क्योंकि वो फील्ड से फ्रेश जो है माल उनको मिल जाता था और उससे बनाया जाता था वो। सो व्हेन द सीड्स हैव चेंज, तो अब जो है सीड ही चेंज हो चुके हैं, तो हाउ कुड फूड एवर टेस्ट द सेम, तो फूड का टेस्ट जो है वो कैसे सेम रहेगा। तो दामजी भाई वॉज गेटिंग ओल्ड, और अब जो है दामजी भाई भी जो है वो बूढ़े हो चुके हैं। His son हसमुख look after the field and the family। तो उनके बाद में जो है अब उनका जो लड़का है हसमुख भाई, तो वो जो है सब देखभाल जो है कर रहा है, मतलब फील्ड की भी और अपने फैमिली की भी। तो हसमुख वाज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम फार्मिंग, और हसमुख भाई ने जो है बहुत सारा पैसा जो है वो फार्मिंग से कमाया है। तो ही रीबिल्ट द ओल्ड हाउस, और उसने जो है उनका जो पुराना घर है उसको जो है रीबिल्ट किया, मतलब उसको एक नया लुक दिया। सो ही ब्रॉट न्यू मशीन्स फॉर फार्मिंग, और फार्मिंग के लिए जो है उन्होंने नई नई मशीनें भी लाई है। सो ही यूज एन इलेक्ट्रिक मोटर टू पंप वाटर, और उसने जो है एक इलेक्ट्रिक मोटर पंप जो है वो लगा दिया है खेतों में, जिससे कि उसको पानी हमेशा जो है वो मिलता है। सो ही बॉट मोटरसाइकिल टू गो टू द सिटी ईजिली एंड ऑल्सो अ ट्रैक्टर टू प्लॉग द फील्ड, और उसने जो है एक मोटरसाइकिल भी ले ली है, टू व्हीलर, जो जिससे कि वो सिटी में ईजीली जो है जल्दी से जल्दी जो है वो चले जाता है, और कुछ भी उसको काम रहता है तो ईजीली जो है वो मोटरसाइकिल से चले जाता है। एंड ऑल्सो अ ट्रैक्टर टू प्लॉग द फील्ड, और उसने एक ट्रैक्टर भी खरीद लिया है जिससे कि वो अपने खेतों को जो है जोतता है, ठीक है। द ट्रैक्टर कुड डू इन अ डे व्हाट द बुलक वुड टेक मेनी डेज टू डू, तो ये ट्रैक्टर जो है एक दिन में ही पूरा खेत जो है वो प्लॉक कर लेता है। दामजी भाई के वक्त में जो है वो बुलक यूज़ करते थे, मतलब बैलों को यूज़ करते थे प्लॉगिंग के लिए, तो उनको जो है बहुत सारे दिन लग जाते थे उसको प्लॉक करने के लिए, लेकिन ये ट्रैक्टर जो है एक दिन में पूरा काम जो है वो कर लेता है, ठीक है।
सो डिस्कस दिया हुआ है यहाँ पे ना, तो ये हम जो है अब देखेंगे। तो द बाजरा सीड सॉ डिफरेंस इन द वे डांगी भाई एंड हसमुख डिड फार्मिंग। सो व्हाट वेयर दिस डिफरेंसेस। तो ये जो बाजरा सीड हमें जो कहानी बता रहा है डांगी भाई और हसमुख भाई के फार्मिंग की, तो उनको जो है इन दोनों के फार्मिंग में क्या डिफरेंसेस जो है दिखा। जैसे कि डांगी भाई के वक्त में इरीगेशन कैसे यूज होता था, डांगी भाई के वक्त प्लॉगिंग कैसे होती थी, हसमुख भाई के वक्त जो है इरिगेशन कैसे हो रहा है, प्लॉगिंग कैसे हो रही है। तो व्हाट वेयर दिस डिफरेंसेस, क्या डिफरेंसेस है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो डांगी भाई डिड फार्मिंग इन अ डिफरेंट वे देन हाउ हसमुख डिड। तो हसमुख जिस तरह से भी फार्मिंग कर रहा है, इससे जो है डांगी भाई की जो फार्मिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अलग थी। डांगी भाई फॉलो द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग। डांगी भाई जो है वो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते थे, मतलब उनके दादा ने परदादा ने जो मेथड यूज़ की थी वही मेथड जो है वो भी यूज़ कर रहे हैं। एंड ही यूज बुलक टू प्लॉग द फील्ड। और फील्ड को, खेत को प्लॉग करने के लिए जो है वो बुलक को यूज करता था। तो ही स्टोर्ड ग्रेन टू बी यूज एज सीड। और वो जो है दामजी भाई सीड्स हार्वेस्टिंग का वक्त आता था, मतलब कटाई का वक्त आता था, तो उसमें से जो है कुछ ग्रेन्स जो है अच्छे क्वालिटी के वो स्टोर करके रखते थे, जो फिर अगले साल में जो है वो लगाते थे, जिससे कि फिर से वो फार्मिंग करते थे। तो हसमुख भाई जो है वैसे नहीं करते थे। ऑन द अदर हैंड स्टार्टेड मॉडर्न और न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग। हसमुख जो है वो मॉडर्न मेथड यूज कर रहा है फार्मिंग के लिए। सो ही बॉट ट्रैक्टर टू प्लॉग द फील्ड। वो जो है ट्रैक्टर का यूज कर रहा है फील्ड को प्लॉग करने के लिए, और एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर भी यूज कर रहा है टू ग्रो मोर का, मतलब बहुत ज़्यादा क्रॉप होने के लिए। तो वो क्या कर रहा है, बहुत ही एक्सपेंसिव मतलब महंगे महंगे फर्टिलाइजर्स भी जो है वो यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों के फार्मिंग में हमें डिफरेंस दिख रहा है। देन हसमुख सेड विथ प्रॉफिट फ्रॉम आवर फील्ड वी कैन प्रोग्रेस। हसमुख क्या कह रहा है कि अब जो है हम खेतों से प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो अब जो है हम प्रोग्रेस कर रहे हैं इस तरह से। सो व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रोग्रेस। तो आपके अनुसार प्रोग्रेस क्या है, तो ये जो है यहाँ पर बताना है। तो प्रोग्रेस मीन्स अ बेटर लाइफस्टाइल। प्रोग्रेस यानी क्या है, हमारी बेटर लाइफस्टाइल है, मतलब हम जो पहले के जो स्थिति में रहते थे उससे अगर हमारी स्थिति और ज़्यादा बेटर हो जाती है तो वो है हमारा प्रोग्रेस। पीपल गेट बेटर स्टैंडर्ड ऑफ अ लिविंग लाइक एजुकेशन, मेडिकल एंड न्यूट्रिशन फूड। तो अगर लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, मतलब वो एक स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को एजुकेशन भी बहुत अच्छी तरीके से दे रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी जो है वो अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल से नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल से ली जा रही है, न्यूट्रिशियस फूड जो है वो भी हम जो है खाने लगे हैं, तो ये सब जो है प्रोग्रेस जो है कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे राइट दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है व्हाट काइंड ऑफ अ प्रोग्रेस वुड यू लाइक टू सी इन यूर एरिया। तो आपके एरिया में जो प्रोग्रेस आपको दिखता है तो वो किस टाइप का प्रोग्रेस जो है आपको दिख रहा है। सो आई वुड लाइक टू सी वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल, बेटर रोड, गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड गुड एजुकेशन सिस्टम इन स्कूल्स। तो हमारे एरिया का अगर प्रोग्रेस हम देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि हॉस्पिटल जो है वो किस तरह का है, पूरी मशीनरी के साथ में जो हॉस्पिटल होता है वैसा हॉस्पिटल है, तो हमारा प्रोग्रेस है। रोड जो है हमारे एरिया के अगर बेटर है, मतलब बहुत अच्छे रोड्स हैं, तो हमारा प्रोग्रेस है। गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो भी अगर बहुत अच्छी तरीके से हो रही है तो हमारा प्रोग्रेस है। और हमारे स्कूलों में जो है बहुत अच्छा एजुकेशन हमें अगर मिल रहा है तो वो जो है हमारा प्रोग्रेस है, ठीक है। तो इस तरह का प्रोग्रेस जो है हम जो है हमारे एरिया में भी देखना चाहते हैं, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चंस जो है जो यहाँ पर दिए हुए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको जो है आपको अच्छी तरीके से रीड करना है, जिससे कि ये आपको एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, ठीक है। सो मोर एंड मोर एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे जो है मोर एंड मोर एक्सपेंसेस दिया हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है।
The next 20 year saw even more changes. मतलब आगे के जो 20 years है जो हसमुख भाई ने देखे वो उसमें जो है उसने बहुत सारे changes देखे. मतलब ये जो seed हमको कहानी बता रही है वो हमें बता रही है कि next 20 years में जो है उसने बहुत सारे changes देखे हैं. So without cow and buffalo, there was no cow dung to be used in the field as fertilizer. तो शुरुआत में जो है खेतों में जो है फर्टिलाइजर्स के रूप में जो है काऊ डंग जो है वो यूज़ किया जाता था. मतलब काऊ डंग को जो है जमा किया जाता था और फिर उसको जो है उसका जो है फर्टिलाइज़र बना के वो उसमें खेतों में डाला जाता था. ठीक है, तो हसमुख हैड टू बाय एक्सपेंसिव फर्टिलाइज़र. लेकिन अब हसमुख भाई के इसमें जो है जब हसमुख भाई खेती करने लगा है तब से वो जो है एक्सपेंसिव मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगे फर्टिलाइजर्स जो है वो यूज़ कर रहा है. द न्यू काइंड ऑफ सीड वेयर सच दैट द क्रॉप वेयर ईजीली अफेक्टेड बाय हार्मफुल इंसेक्ट. द ये जो नए प्रकार के जो सीड जो मार्केट में रेडीमेड मिल रहे हैं ये ऐसे सीड्स हैं, तो ये ऐसे सीड्स है जिसको खेतों में जब हम लगाते हैं और जब वो प्लांट ग्रो होता है तो उसको जो है ईजीली जो है हार्मफुल इंसेक्ट जो है वो लग जाते हैं, मतलब अफेक्ट करते हैं. तो मेडिसिन हैड टू बी स्प्रे ऑन द क्रॉप टू कीप अवे द इंसेक्ट. और जब ये इंसेक्ट उसको लग जाते हैं तो उसको जो है इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए जो है फिर बाद में उस पर मेडिसिन जो है स्प्रे की जाती है. मेडिसिन हैज़ टू बी स्प्रेड ऑन द क्रॉप, क्रॉप पे जो है मेडिसिन स्प्रे की जाती है. तो इससे क्या होता है कि वो जो इंसेक्ट्स है वो मर जाते हैं. सो ऑन व्हाट अ बैड स्मेल दिस हैड. तो ये जो इंसेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मेडिसिन स्प्रे किया जा रहा है उसकी स्मेल जो है इतनी बैड होती है कि बहुत ही ज़्यादा. एंड हाउ एक्सपेंसिव दे वेयर. और ये इतने महंगे होते हैं कि बहुत ज़्यादा. मतलब ये जो दामजी भाई जब वो गोबर का यूज़ करते थे मतलब काऊ डंग का यूज़ करते थे तो वो घर में ही जो काऊ होते थे या गोट होती थी जो भी एनिमल्स होते थे तो उसके वो जो है मतलब उसके गोबर जो है वो जमा कर देते थे और फिर उसका ही जो है वो फर्टिलाइज़र करके यूज़ करते थे. लेकिन ये जो हसमुख भाई जो है वो क्या कर रहे हैं मार्केट से जो है मेडिसिन लेके आ रहे हैं और उसको स्प्रे कर रहे हैं. तो ये बहुत ज़्यादा महंगे भी होते हैं और इसकी स्मेल भी जो है बहुत ख़राब होती है. तो कैनल वाटर वॉज नॉट इनफ फॉर द न्यू क्रॉप. और ये जो न्यू क्रॉप जो हसमुख भाई जो ग्रो कर रहे हैं मार्केट से लिए वाले जो सीड यूज़ करके तो इसको जो है पानी भी बहुत ज़्यादा लगता है. सो ये कैनल का पानी जो वो उसके खेतों में आ रहा है जो बहुत दूर से आ रहा है मतलब कैनाल का वाटर जो है उसके लिए सफिशिएंट नहीं है. ऑल द फार्मर्स यूज पंप टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम डीप अंडर द ग्राउंड. तो इसीलिए जो है फार्मर्स लोग क्या कर रहे हैं वो अपने ही खेतों में जो है पंप का यूज कर रहे हैं. मतलब अंडरग्राउंड जो है पंप जो है वो डाले जाते हैं और उससे पानी जो है ग्राउंड के अंदर का मतलब जमीन के अंदर से पानी जो है वो निकाला जाता है. टू मीट ऑल दीज एक्सपेंसेस लोन हैड टू बी टेकन फ्रॉम द बैंक. और ये सब एक्सपेंसेस जो ये जो खर्चे हैं पूरे हसमुख भाई को आ रहे हैं तो उसके लिए उसने जो है लोन भी ले लिया है बैंक से. मतलब पैसे कम जा रहे थे तो बैंक से उसने लोन ले लिया है. वॉट एवर लिटल प्रॉफिट वॉज मेड वॉज यूज टू रिपे द लोन. और जो भी प्रॉफिट उसको मिल रहा है तो उसमें से ही जो है बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है बैंक को जो है लोन को रीपे करने के लिए जा रहा है. मतलब लोन फेड़ना बोलते हैं ना तो उसके लिए जो है वो जा रहा है. सो बट देयर वॉज अ लिटिल प्रॉफिट. लेकिन फिर भी जो है उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है उसमें से हो रहा है. एवरी वन वॉज ग्रोइंग कॉटन. अब सब लोग जो है वो क्या ग्रो कर रहे हैं खेतों में कॉटन ग्रो कर रहे हैं क्योंकि कॉटन से उनको बहुत ज़्यादा मार्केट में प्राइस मिल रहा है कॉटन को. सो द कॉटन प्राइजेस वेयर नॉट एज हाई एज बिफोर. कॉटन के प्राइस भी जो है उतने ज़्यादा हाई नहीं थे
इसके पहले, सो द सॉइल इटसेल्फ वाज नो लॉन्गर द सेम, और जो सॉइल है जिस पे जो क्रॉप ग्रो किया जा रहा है वो सॉइल भी जो है हमेशा जो है एक जैसी नहीं होती है. सो ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड ओवर एंड यूजिंग सो मेनी केमिकल्स हैड अफेक्टेड द सॉइल सो मच दैट नाउ नथिंग कुड ग्रो वेल देयर. तो क्या होता है कि एक ही क्रॉप जो है बार 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 हर साल जो है हम उस जगह पर लगाएंगे तो क्या होता है कि जो है उसके ऊपर फिर केमिकल्स भी स्प्रे करेंगे, जो मेडिकल से हसमुख भाई केमिकल्स ले रहा है और स्प्रे कर रहा है, और उसके बाद में जो है वो फर्टिलाइजर्स भी जो है बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है जो मार्केट से रेडीमेड लेकर. तो उससे क्या हो रहा है कि ये सॉइल जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, मतलब उसके ऊपर भी जो है इफेक्ट हो रहा है उन केमिकल्स का, और उसके बाद जो है वो सॉइल कुछ भी ग्रो करो तो वो ग्रो होने लायक नहीं रहती है, मतलब वो खराब हो जाती है सॉइल. सो इट वॉज बिकमिंग डिफिकल्ट टू अर्न अ लिविंग बाय फार्मिंग अलोन. तो इसीलिए जो है सिर्फ फार्मिंग पे अगर हम हमारी लाइफ जो है बिताना चाहते हैं तो वो पॉसिबल ही नहीं होती है अगर हम इस तरह से फार्मिंग करेंगे तो. नेक्स्ट जो है हसमुख टू चेंज विद द टाइम्स, और हसमुख जो है वो भी टाइम के साथ में चेंज होते हुए जो है बाजरा सीड को दिख रहा है. सो ही इज ऑफन टेंस एंड एंग्री मोस्ट ऑफ द टाइम, और वो हमेशा जो है हसमुख भाई टेंस में दिखता है, मतलब उसको टेंशन ही दिखता है हमेशा, और वो हमेशा चिढ़ा हुआ रहता है. तो हिज एजुकेटेड सन परेश डिड नॉट वॉन्ट टू डू फार्मिंग, और उसका जो लड़का है परेश वो तो फार्मिंग करना ही नहीं चाहता है. ही नाउ स्टार्टेड वर्क एज अ ट्रक ड्राइवर, तो वो जो है आज बाहर काम कर रहा है ट्रक ड्राइवर करके. ओके, आफ्टर ऑल द बैंक लोन स्टिल हैड टू बी रीपेड, और अभी भी जो है बैंक का जो लोन है वो पेड नहीं हो चुका है. मतलब हसमुख भाई ने जो भी लोन लिया था खेतों के एक्सपेंसेस के लिए खर्चे के लिए तो वो पे भी नहीं हो गया था. सो अपन परेश डजंट कम होम फॉर अ डे, तो प्रकाश जो है एक एक दिन जो है घर में नहीं आता है. एट टाइम ही इज अवे फॉर अ वीक, अब तो है वो एक वीक के लिए, मतलब एक हफ्ते के लिए जो है वो बाहर गया है. टू डेज बैक व्हेन ही केम होम, और दो दिन पहले जब वो घर आया तो परेश स्टार्टेड लुकिंग फॉर समथिंग, तो परेश जो है वो कुछ इधर उधर देख रहा था, उसको कुछ चाहिए था वो देख रहा था. सो उसने अपने माँ को आवाज़ दिया, बा ही आस्क हिज मदर, और माँ से पूछा वेर इज़ दादाजी वुडन सीड बॉक्स, तो उसने पूछा कि दादाजी मतलब दामजी भाई जो है उनकी उनका जो वुडन सीड बॉक्स था वो कहाँ पर है. सो इट विल बी यूजफुल टू कीप द स्क्रूज एंड टूल्स फॉर द ट्रक, तो वो कह रहा है कि वो जो वुडन सीट बॉक्स है वो मुझे चाहिए है जिसमें मैं अपने स्क्रूज और ट्रक के जो भी टूल्स होते हैं वो सब जो है मैं उसमें रखना चाहता हूँ. सो नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई आई टोल्ड यू माय स्टोरी, तो अब जो है आप समझ ही चुके होंगे कि मैं क्यों अपनी स्टोरी जो है तुमको बता रहा हूँ. ऐसा कौन कह रहा है, बाजरा सेठ कह रहा है. तो यहाँ पर जो है डिस्कस एंड थिंक दिया हुआ है. सो व्हाट कैन हैपन टू हंसुख फार्म्स आफ्टर सम ईयर, कुछ सालों बाद जो है हंसुख के फार्म का क्या हुआ, ये जो है हमको यहाँ पर बताना है. तो हंसुख फार्म विल लॉस फर्टिलिटी आफ्टर सम ईयर्स बिकॉज हंसुख इज यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर, तो कुछ सालों बाद जो है हंसुख का जो खेत है उसकी फर्टिलिटी ही जो है वो एकदम खत्म हो चुकी थी. क्यों? क्योंकि हंसुख भाई जो है उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे थे जिससे कि वो जो सॉइल है वहाँ का वो एकदम से खराब हो चुका था जिसमें कुछ भी ग्रो नहीं हो रहा था. ठीक है, नेक्स्ट जो है और भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए. सो यहाँ पे जो है पूछा गया है कि दामजी भाई सन हंसू चूज टू बिकम अ फार्मर लाइक दिस लाइक हिज फादर, तो दामजी भाई का जो सन है हसमुख उसने जो है फार्मिंग का ही क्षेत्र जो है वो चुना था. मतलब उसके पापा भी दामजी भाई भी जो है खेती करते थे और वो भी जो है वो खेती करने लगा था. देन हंसुख सन परेश इज नॉट अ फार्मर, लेकिन हसमुख का जो लड़का है परेश उसने जो है फार्मिंग को नहीं चूज किया, उसे फार्मिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो जो है ट्रक ड्राइवर बन गया. ठीक है, सो वाई वुड ही हैव डन सो, तो क्यों उसने ऐसा किया होगा. तो परेश कुड सी दैट हिज फादर वॉज रनिंग इन टू
लॉसेस, उसने देखा कि उसके जो फादर हसमुख भाई जो खेती कर रहे थे उसमें उसको जो है बहुत सारा लॉस जो है हो चुका था. तो फार्मिंग हैड बिकम अ कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटी विथ लिटिल प्रॉफिट. तो ये जो है फार्मिंग में जितना भी पैसा हम लगा रहे हैं उसमें कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट जो है उनको मिल रहा है. हेंस परेश वुड हैव डिसाइडेड टू स्विच टू अ न्यू ऑक्यूपेशन. तो उसने जो है परेश ने डिसाइड किया कि मैं जो है ये ऑक्यूपेशन मतलब ये जो काम है मैं नहीं करूँगा, मैं कुछ दूसरा काम करूँगा. और इसलिए उसने ट्रक ड्राइवर जो है बनना पसंद किया. ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर दिया हुआ है The seeds were not sure that what Hasmukh was talking about was really progress. What do you feel? तो ये जो सीड है बाजरा का वो हमें बता रहा है हसमुख और जो दामजी भाई की फैमिली है उनकी कहानी बता रहा है, फार्मिंग की कहानी बता रहा है. तो उसमें जो वो बता रहा है कि हसमुख जो जिसको प्रोग्रेस कह रहा है तो वो जो है क्या सच में प्रोग्रेस है? तो उनको जो है वो डाउट था. तो आप क्या फील करते हो? सो आई थिंक द न्यू मेथड ऑफ एग्रीकल्चर टेंड्स टू ओवर एक्सप्लॉइट द सॉइल एंड अदर रिसोर्सेज. तो हमारे हिसाब से जो है एग्रीकल्चर के ये जो नए मेथड जो हसमुख भाई ने यूज़ किए थे वो जो है सॉइल को ख़राब करने वाले थे एंड जो अदर रिसोर्सेज थे उसको भी जो है ये जो है उसमें उससे जो है खतरा था. हाँ, सो दिस लीड्स टू द लॉस ऑफ अ फर्टिलिटी ऑफ अ सॉइल, जिससे कि वो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो कम होते जा रही थी, विच में रिजल्ट इन लैंड बिकमिंग बैरन. और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो जो लैंड है कुछ भी हम जो है ग्रो नहीं कर सकते थे, इस तरह की जो है वो लैंड हो चुकी थी. मशीन कैन डू द वर्क ऑफ अ मैनी पीपल विच लीव्स मैनी पीपल जॉबलेस. और ये जो हसमुख भाई मशीन यूज़ कर रहा था, ट्रैक्टर यूज़ कर रहा था, उससे जो है बहुत सारे लोगों के जॉब भी उन्होंने जो है छीन लिए थे, मतलब बहुत सारे लोगों को उन्होंने खाली कर दिया था. टू मच इरीगेशन डिप्लीट्स द ग्राउंड वाटर एंड डज लीव लिटल वाटर फॉर फ्यूचर. और इरीगेशन से मतलब उसने जो अपने खेत में जो पंप लगाया था पानी का, तो इस तरह से अगर सब लोग करने लगेंगे ज़मीन के अंदर से जो पानी निकालने लगेंगे तो एक दिन क्या होगा कि ग्राउंड वाटर भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा. तो अपेरेंटली इट लुक्स लाइक प्रोग्रेस बट इट इज़ नॉट द रियल प्रोग्रेस. आपको ऊपर ऊपर दिख रहा है तो वो बहुत प्रोग्रेस ही दिख रहा है, लेकिन ये रियल प्रोग्रेस है क्या? नहीं. तो ये जो है प्रोग्रेस हमें लॉस में लेके जाने वाला प्रोग्रेस है. ठीक है, तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर पूछा गया है, हैव देयर बीन एनी चेंजेस नियर योर एरिया, क्या आपके एरिया में भी कुछ चेंजेस आपको दिखते हैं विच मे बी डिफिकल्ट टू कॉल प्रोग्रेस, जिसको कि हम प्रोग्रेस नहीं कह सकते हैं. व्हाट चेंजेस आर दिस, तो क्या चेंजेस आपको दिखते हैं? व्हाट आर द डिफरेंस ओपिनियन अबाउट देम, तो आपके अलग अलग ओपिनियन जो है यहाँ पर पूछे गए हैं. तो हमारे आसपास में भी हमको बहुत सारा चेंज जो है बहुत सारा दिखता है जो हम प्रोग्रेस के लिए हमारी प्रोग्रेस के लिए जो है किया जा रहा है. तो ये जो प्रोग्रेस के नाम पे जो चेंजेस होते हुए हमको दिख रहे हैं क्या वो रियल जो है चेंजेस है? तो यस देर आर अ मेनी चेंजेस विच मे नॉट बी कॉल्ड प्रोग्रेस इन रियल सेंस. जो भी आसपास में हम प्रोग्रेस के नाम पे जो चेंज होते हुए दिखते हैं वो रियल चेंज जो है नहीं है. लेटेस्ट टेक एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रोइंग नंबर ऑफ अ व्हीकल्स ऑन अ रोड, जैसे कि प्रोग्रेस के नाम पे जो है सब लोग जो है व्हीकल खरीदने में लगे हुए हैं. तो अगर आप रोड पर जाओगे तो इतने सारे व्हीकल रोड पर जाते हुए दिखते हैं हमको. तो मोर व्हीकल्स मेड ट्रैवलिंग ईजियर बट इट इज़ ऑल्सो रीज़न फॉर अ एयर एंड नॉइज पोल्यूशन. ये जो है ये सच है कि व्हीकल से जो है हमको कोई भी काम जो है हमारा इजी हो जाता है, हम जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन बहुत सारे व्हीकल की वजह से जो है एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, नॉइस पोल्यूशन भी हो रहा है, मतलब आवाज़ों का पोल्यूशन भी हो रहा है. सिमिलरली मेनी मशीन्स हैव बीन इन्वेंटेड विच कैन डू द जॉब ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड दस थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर जॉबलेस. और ऐसी बहुत सारी मशीनें जो है निकल चुकी है जिनका इन्वेंशन हो चुका है जिससे कि
जो लोग काम करते थे वहाँ पर, तो वो जो है एक मशीन करने लगा है। मतलब 1000 पीपल जहाँ पर काम करते थे वहाँ पे एक मशीन जो है वो 1000 लोगों का काम कर रहा है। जैसे आप कंप्यूटर देख रहे हो अभी, तो कंप्यूटर में भी जो है बहुत सारे लोग जो हाथों से काम करते थे वो आज कंप्यूटर में जो है एक घंटे में या एक मिनट में हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों का जॉब जो है उसकी वजह से भी जो है कम हो चुका है। तो इस तरह का जो है प्रोग्रेस तो हो रहा है, लेकिन इस प्रोग्रेस से जो है बहुत नुकसान भी जो है हमको झेलने पड़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर रीड द रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर एंड डिस्कस इट। यहाँ पे एक रिपोर्ट दी है न्यूज़पेपर की, तो वो क्या कहती है देखेंगे। 18 दिसंबर 2007 की जो है ये रिपोर्ट है, आंध्र प्रदेश से है ये। सो फार्मर्स इन आंध्र प्रदेश हैव बीन सेंट टू जेल फॉर नॉट बीइंग एबल टू पे बैक देयर लोन्स। तो आंध्र प्रदेश की ये न्यूज़ है, और आंध्र प्रदेश के एक फार्मर ने जब लोन जो है पे नहीं किया था, लोन लिया था उसने फार्मिंग के लिए, लेकिन जब उसने लोन पे नहीं किया तो उसको जो है वो जेल जाना पड़ा था। सो दे हैड सफर्ड अ बिग लॉस इन फार्मिंग, और उस लोन की वजह से जो है उनको बहुत सारा लॉस जो है फार्मिंग का वो हुआ था। सो वन ऑफ दिस फार्मर्स नलप्पा रेड्डी हैड टेकन अ बैंक लोन फॉर ₹24,000। तो ये जो नलप्पा रेड्डी नाम के एक फार्मर है जिन्होंने बैंक से कितना सारा लोन लिया था, 24,000 जो है वो लिया था। टू रीपे द लोन ही हैड टू टेक अनादर लोन फॉर अ प्राइवेट मनी लेंडर एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जब ये 24,000 बैंक को चुका नहीं पाया तो उसने क्या किया, एक प्राइवेट मनी लेंडर जो होते हैं जो अपने खर्चे के लिए जो है पैसे देते हैं, तो उससे उसने जो है दूसरा लोन लिया पहले लोन को पेड करने के लिए। तो वो जो लोन लिया उसने वेरी हाई रेट इंटरेस्ट से लिया। तो इवन आफ्टर रिपेइंग ₹34,000 रेड्डी कुड नॉट रिपे द एंटायर लोन। अब तक जो है उसने 34,000 जो है वो पे कर चुके हैं बैंक को, लेकिन फिर भी जो है उनका एंटायर लोन जो है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है, तो उनका जो लोन है 24,000 का वो बढ़ते जा रहा है। रेड्डी सेज द बैंक सेंड्स फार्मर टू जेल फॉर नॉट पेइंग बैक स्मॉल लोन। तो रेड्डी कह रहा है कि बैंक जो है फार्मर्स लोगों को जेल में भेज रहा है, क्यों, क्योंकि उन्होंने जो है ये छोटा सा लोन पे नहीं किया। बट व्हाट अबाउट द बिग बिजनेसमैन। तो वो कह रहा है कि ये बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं जो लाखों करोड़ों का जो है लोन लेते हैं और वो जो है डुबा भी देते हैं, तो उनको क्यों नहीं कुछ कहा जाता। सो दे टेक लोन्स ऑफ अ करोड़ ऑफ रुपीज, नथिंग हैपन्स टू देम व्हेन दे डू नॉट रिटर्न द मनी। लेकिन उनको जो है कुछ भी नहीं होता है जबकि वो अपना लोन जो है रीपे नहीं करते हैं, तो उनको क्यों नहीं कुछ होता है, ये जो है रेड्डी का कहना है। ठीक है, नलप्पा रेड्डी स्टोरी इज शेयर्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ फार्मर इन इंडिया हु आर सफरिंग ह्यूज लॉसेस। और ये जो नलप्पा रेड्डी की जो स्टोरी है वो बहुत सारे लोगों ने जो है शेयर की थी, जिनको जो है बहुत सारा फार्मिंग में लॉस हो चुका था। सो द सिचुएशन इज सो बैड दैट मेनी फार्मर सी नो वे आउट ऑफ दिस एक्सेप्ट टू कमिट सुसाइड। तो सिचुएशन जो है वो इतनी ख़राब हो चुकी है फार्मर्स लोगों की, बहुत सारे फार्मर्स लोगों की जिन्होंने लोन लिया है, तो वो जो है अपना लोन जो है वो पे ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी सिचुएशन जो है ऐसी आ चुकी है कि उनको सुसाइड करना पड़ रहा है, मतलब आत्महत्या जो है वो करने की नौबत आ चुकी है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट फिगर 150,000 फार्मर्स हैव डाइड लाइक दिस बिटवीन 1997 एंड 2005। तो गवर्नमेंट के फिगर के अनुसार जो है 150,000 फार्मर्स जो है अभी तक 1997 से लेके 2005 तक जो है वो सुसाइड कर चुके हैं। सो दिस नंबर मे बी मच हायर, ये जो नंबर है और भी आगे चल के जो है बढ़ने वाला है। तो ये जो है न्यूज़ आई थी 2007 में आंध्र प्रदेश की। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है। क्या है ये प्रोजेक्ट वर्क,
वॉट क्वेश्चंस कम टू योर माइंड अबाउट फार्मर्स एंड फार्मिंग? आपके मन में जो है फार्मर्स के बारे में और फार्मिंग के बारे में क्या क्वेश्चंस आते हैं? राइट सम क्वेश्चन इन योर ग्रुप एंड आस्क अ फार्मर. और अगर कोई फार्मर आपके पहचान के हैं तो उनको जो है आपके मन में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो पूछना है उनको. फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी क्रॉप्स डू दे ग्रो इन अ ईयर? साल भर में वो कौन कितने क्रॉप जो है वो ग्रो करते हैं? विच क्रॉप नीडेड हाउ मच वाटर? और कौन से क्रॉप को कितना पानी लगता है? ये सब क्वेश्चन जो है आपको किसी आपके आसपास के फार्मर्स अगर कोई पहचान के हैं तो उनको पूछना है. और ये प्रोजेक्ट आपको करना है, है? और ये जो है आपको नोटबुक में लिखना भी है, ठीक है. नेक्स्ट जो है यहाँ पर, विजिट अ फार्म नियर योर एरिया. अगर आसपास में आपके कोई फार्म है, है? खेती है तो जाकर उसको विजिट करना है. ऑब्जर्व एंड टॉक टू द पीपल देयर, राइट अ रिपोर्ट. और वहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करनी है, वो फार्मर जो है, है? जो ओनर होता है उससे भी बात करनी है और एक रिपोर्ट तैयार करना है, ठीक है. और वो भी आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है. रीड द रिपोर्ट ऑन पेज 180 बाय अ ग्रुप ऑफ अ क्लास फिफ्थ स्टूडेंट हु वेंट टू विजिट भास्कर भाई फॉर्म. तो पेज नंबर 180 में जो है स्टूडेंट का एक रिपोर्ट दिया हुआ है जो कहाँ पर उन्होंने विजिट किया था, भास्कर भाई का जो फार्म है, हाँ, वहाँ पर जो है वो विजिट करने के लिए गए थे और उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया है, हाँ. तो आपको रिपोर्ट कैसे तैयार करना है ये जो है पेज समझ में आ जाएगा. और उसी तरह का रिपोर्ट जो है आपको खुद को भी करना है, मतलब आपको भी जो है किसी फार्मर्स के खेत में जाना है, वहाँ के लोगों से बात करना है, फार्मर से बात करना है और जो भी क्वेश्चन आपके मन में आते हैं एक क्वेश्चन भी आप उनको पूछ सकते हो, ठीक है. वह आपको भी मनाना है, हाँ. तो एज वी एंटर्ड हिज फॉर्म वी वेयर सरप्राइज. जब ये फिफ्थ के कुछ स्टूडेंट जो है भास्कर भाई के फॉर्म में जब गए खेत में, हाँ, जब उन्होंने एंटर किया तो वो सरप्राइज हो गए, हाँ. देर वॉज अ डेड लीव्स, वाइल्ड प्लांट एंड ग्रास एवरीवेयर. उन्होंने देखा कि सब तरफ जो है कुछ सूखे पत्ते पड़े हुए हैं सभी तरफ, हाँ. प्लांट भी जो है वो जंगली प्लांट जो होते हैं वो वहाँ पर ग्रो हो रहे हैं और सभी तरफ ग्रास ही ग्रास जो है वो उगा हुआ दिख रहा है, ग्रो हुआ दिख रहा है. तो समाज ट्रीज ब्रांचेस सीम्स टू ड्राई, और कुछ जो बड़े बड़े ट्रीज है उसके ब्रांच भी जो है वो ड्राई हो चुके हैं, एज इफ ईटन बाय इंसेक्ट, और उसको जो है इंसेक्ट जो है खा चुके हैं. एट प्लेसेस वी सॉ सम प्लांट्स विथ कलरफुल लीव्स, और कहीं कहीं पे जो है उन्होंने देखा कि प्लांट्स को कलर लीव्स जो है वो कलरफुल हो चुके हैं उसके. सो व्हाई दिस, तो वो देखकर हैरान हो गए, हाँ, एकदम से सरप्राइज हो गए कि ये ऐसे क्यों हुआ. तो भास्कर भाई सेड दे वेर क्रोटन प्लांट्स विच गेव हिम अ सिग्नल व्हेन द सॉइल बिकम ड्राई. भास्कर भाई जो है वो कह रहे थे उन्हें कि उन्होंने जो है यहाँ पर क्रोटन प्लांट्स लगाए हैं, क्रोटन के प्लांट्स लगाए हैं विच गेव हिम अ सिग्नल, जो ये क्रोटन के प्लांट जो है वो सिग्नल देते हैं व्हेन द सॉइल बिकम ड्राई, अगर सॉइल ड्राई हो जाता है, हाँ, मतलब सूख जाता है तो ये क्रोटन के प्लांट जो है वो एक सिग्नल देते हैं. सो वी वेयर सरप्राइज हाउ, तो हम जो है बच्चे कहते हैं कि हम सरप्राइज हो गए थे कि ये कैसे सिग्नल देते होंगे. सो ही एक्सप्लेन डैट द रूट्स ऑफ द क्रोटन डू नॉट गो डीप इन द ग्राउंड. तो जो है भास्कर भाई बता रहे हैं उनको कि ये जो क्रोटन के जो रूट है वो एकदम अंदर नहीं जाते हैं, सो जमीन के एकदम अंदर डीप अंदर नहीं जाते हैं. सो वेन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल बिकम ड्राई द क्रोटन लीव्स बेंड एंड बिकम लिम्प. और जब ये क्रोटन का प्लांट लगाते हैं तो ये क्रोटन के जो रूट है वो एकदम अंदर नहीं जाते हैं, हाँ, तो ये ऊपर ऊपर ही रहते हैं, तो उससे जो है अगर सॉइल ड्राई हो चुकी है तो वो क्रोटन के लीव्स भी जो है वो मर जाते हैं, मतलब एकदम बेंड हो जाते हैं. सो दिस सिग्नल टेल्स भास्कर भाई विच पार्ट ऑफ हिज फॉर्म नीडेड टू बी वाटर्ड. और ये जो है सिग्नल है, हाँ, जो भास्कर भाई को पता चल जाता है कि कौन किस जगह पर जो है पानी की कमी है, हाँ, कौन से एरिया में जो है पानी की कमी है, ये जो है उस क्रोटन प्लांट से उनको पता चल जाता है. ओके, सो वी फाउंड द सॉइल सॉफ्ट क्रम्बली. तो उन्होंने देखा कि ये जो सॉइल है बहुत ज़्यादा
सॉफ्ट और क्रम्बली है, है? मतलब एकदम से सॉफ्ट है. सो वी कुड सी टॉल कोकोनट ट्री, हाँ, फुल ऑफ फ्रेश कोकोनट. उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो है कोकोनट के बड़े बड़े ट्री जो है, हाँ, लंबे टॉल ट्री जो है वो लगे हुए हैं और उसमें जो है बहुत ही फ्रेश कोकोनट्स जो है लगे हुए हैं. सो वी थॉट ही मस्ट बी यूजिंग सम स्पेशल फर्टिलाइजर. तो इन्होंने सोचा, बच्चों ने, कि ये जो है स्पेशल टाइप का फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे होंगे. सो भास्कर भाई सेड ही डज नॉट बाय फर्टिलाइजर मेड इन फैक्ट्रीज. तो वो कह रहे हैं कि मैं जो है कोई भी फर्टिलाइजर का यूज नहीं करता हूँ जो फैक्ट्री से बना कर आता है. तो हिज सॉइल इज फर्टाइल बिकॉज ऑफ ऑल द ड्राइड लीव्स विच स्लोली रॉट एंड मिक्स विद इट. तो वो क्या करता है कि जो ड्राइड लीव्स है, ड्राई लीव्ड है, लीव्स है, मतलब सूखे पत्ते जो है, वो जो है उस खेती में ही जो है अपने वो रखते हैं, जो कुछ दिनों के बाद में जो है क्या हो जाते हैं, रॉट हो जाते हैं, मतलब सड़ जाते हैं और वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं. ही डग द सॉइल अ लिटल एंड टोल्ड अस टू लुक. उन्होंने क्या किया कि थोड़ी सी जमीन जो है उसने मतलब उसको गड्ढा किया, हाँ, और उनको बच्चों को जो है वो बताया. तो उन बच्चों ने देखा कि वी सा थाउजेंड ऑफ अर्थवॉर्म. वहाँ पे उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो है अर्थवॉर्म जो है उनको चलते हुए दिखे. सो दीज आर माई सॉइल बेस्ट फ्रेंड. तो वो कहने लगे कि ये जो अर्थवॉर्म्स है, हाँ, यही जो है मेरे बेस्ट फ्रेंड है हमारे सॉइल के. सो ही सेड द अर्थवॉर्म सॉफ्टन द सॉइल एज दे कीप डिगिंग अंडरनीथ द मेक टनल्स. तो ये अर्थवॉर्म क्या करते हैं कि सॉइल को जो है मतलब डिग करते हैं, खोदते हैं और मतलब टनल बनाते हैं और सॉफ्ट कर देते हैं उस सॉइल को. ओके, दिस वे एयर एंड वाटर कैन ईजीली गेट इन टू द सॉइल. जिससे कि ये जो एयर है, मतलब हवा और पानी जो है ईजीली जो है उस सॉइल के अंदर चला जाता है. द अर्थवॉर्म्स आल्सो ईट द डेड लीव्स एंड प्लांट एंड देन ड्रॉपिंग फर्टिलाइज द सॉइल. और फिर ये जो अर्थवॉर्म क्या करते हैं कि वो जो डेड लीव्स जो है तो वो पत्तों को जो है वो खा लेते हैं और प्लांट्स को भी जो है वो धीरे धीरे खा लेते हैं और फिर देन ड्रॉपिंग फर्टिलाइज द सॉइल और फिर जो है वो फर्टिलाइज करते हैं सॉइल को इस तरह से. सो प्रवीण टोल्ड अस अबाउट हिज अंकल इन द सिटी. प्रवीण जो है अपने सिटी में जो उनके अंकल रहते हैं उनके बारे में वो बता रहा है. हु हैज डग अ पिट इन हिज गार्डन. जिन्होंने जो है वो सिटी वाले जो अंकल है उन्होंने उनके गार्डन में जो है एक पिट जो है डग किया है, मतलब एक गड्ढा जो है वो मतलब बनाया है. ही पुट ड्राइड लीव्स इन द पिट. और वो गड्ढा जो उन्होंने बनाया है उस पर जितने भी ड्राइड लीव्स है वो सब जो है वो उसमें डालते हैं. और क्या क्या डालते हैं, अलॉन्ग विथ ऑल द किचन वेस्ट. किचन में जो भी सब्जियां काटते हैं हम, कचरा जो निकलता है वो सब भी जो है वो उसी में डालते हैं, उस गड्ढे में. पिल्स ऑफ अ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के ऊपर के जो कवर्स होते हैं वो भी डालते हैं, फ्रूट्स के भी कवर्स जो है वो डालते हैं. एंड लेफ्ट ओवर फूड, और जो उनका खाना कभी कभी बच जाता है वो भी सब जो है उस गड्ढे में वो डालते जाते हैं. ही आल्सो हैज अर्थवॉर्म इन द पिट. और इस वजह से जो है उस गड्ढे में कुछ अर्थवॉर्म जो है वो जम गए हैं. सो दे टर्न्स द वेस्ट इनटू कंपोस्ट. और ये जो अर्थवॉर्म है फिर क्या करते हैं, ये सब जो खाना कचरा हम जो डाल रहे हैं तो उसको वो खा लेते हैं और उसका कंपोस्ट बन जाता है, अ नेचुरल फर्टिलाइजर. और इसको क्या कहा जाता है, ये नेचुरल फर्टिलाइजर कहा जाता है. जो कौन यूज करते थे, दामजी भाई यूज़ करते थे. वो क्या करते थे, घर का जो गोबर है वो सब जो है जमा करके रखते थे, उसको भी वो गड्ढे में डाल देते थे और फिर वो जो नेचुरल फर्टिलाइजर बनता था वही जो है वो खेतों में डालते थे. सो हिज अंकल गेट्स गुड फर्टिलाइजर विदाउट स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी. तो ये जो है इतना अच्छा फर्टिलाइजर होता है जिसको उनको खरीदना भी नहीं पड़ा था, मतलब एक्स्ट्रा मनी भी देना नहीं पड़ रहा था. सो वी ऑल हैड सम फ्रेश कोकोनट फ्रॉम द फार्म. तो उन्होंने सबने जो है फ्रेश कोकोनट जो उनके फार्म में उनको दिखे थे वो जो है सबने जो है वो कोकोनट खाए. सो ओके, दे वेर रियली टेस्टी. और वो जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे कोकोनट. सो वी आल्सो लर्न सो मच अबाउट अ न्यू वे ऑफ फार्मिंग. और इस तरह से उन्होंने उनके फार्मिंग की जो भी बातें हैं
तो बहुत सारी नई बातें जो है उन्होंने उनके फार्मिंग से सीखी। तो अब ग्रुप मेंबर कौन से थे, जितने भी बच्चे वहाँ पर विजिट के लिए गए थे उन सब के नाम जो है यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर जर्नी ऑफ बाजरा सीड फ्रॉम अ फील्ड टू प्लेट। अब ये जो बाजरा है जिसकी रोटी के बारे में हमने सबसे पहले वीडियो से जो है बताया है, तो ये रोटी जो है बाजरे की वो कैसे बनाई जाती है, वो जो है उसकी जर्नी हमको मतलब फील्ड से लेके तो प्लेट तक की जर्नी जो है यहाँ पर बताई गई है। व्हाट कैन यू सी इन ईच पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पे जो है बहुत सारी पिक्चर्स दिए हुए हैं तो वो हमको यहाँ पर देखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप पिक्चर्स देख रहे हो, ये जो है फर्स्ट पिक्चर है, इसमें क्या हो रहा है, बाजरे की कटाई हो रही है, बाजरे का खेत दिख रहा है आपको ये, तो इसको जो है कटाई करना शुरू है, फिर जब उसको लाने के बाद में सुखाया जाता है, और सुखाने के बाद में ये ओखली बोलते हैं इसे, इसमें जो है उसको कूटा जाता है, तो कूटने के बाद में ये जो बाजरा है वो यहाँ पर निकला हुआ दिख रहा है थर्ड पिक्चर में। फिर इस बाजरे को क्या किया जा रहा है, इसको पाउडर बनाया जा रहा है, यहाँ पर जो है वो बारीक किया जा रहा है। नेक्स्ट जो है ये पाउडर बन चुका है यहाँ पे, फिर इसमें फिर इसको जो है गूंदा गया है, यहाँ पे सिक्स पिक्चर में। नेक्स्ट जो है यहाँ पे सेवन पिक्चर में क्या दिख रहा है, ये जो है भाकरी बनाई जा रही है इसकी, मतलब रोटी बनाई जा रही है हाथ के ऊपर। अब ये रोटी बन गई है, इसको सेका जा रहा है, और सेकने के बाद में ये हमारे प्लेट में रोटी तैयार। तो ये जो है इसकी जर्नी है, मतलब खेत से लेके तो यहाँ पर हमारे प्लेट तक। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है ये लेसन ख़त्म हो रहा है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक का पूरा लेसन जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी दिए थे जिसके आंसर भी उसी के साथ में है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पर क्वेश्चन मिलते हैं वहाँ पर आपको पॉज करना पड़ेगा वीडियो को, और वो क्वेश्चन आंसर जो है अपने नोटबुक में उतार लेना है। तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो समझ में आ चुका है और अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, और बेल बटन पर भी क्लिक करना है जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।